भरतपुर में रविवार को भगवान अग्रसेन की कुलदेवी आग महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद रथ यात्रा पहुंची, जहां तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग एवं पूर्व विधायक विजय बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई सर्कुलर रोड स्थित पार्श्व वाटिका पहुंची। मार्ग से रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस रथ यात्रा में आग महालक्ष्मी, अग्रसेन महाराज और समाज के 18 गोत्रों की झांकियां एवं गणमान्य नागरिक शामिल थे। रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि अग्रवंश की कुलदेवी आग महालक्ष्मी का भव्य मंदिर निर्माण के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज पर कुलदेवी आग महालक्ष्मी की सदा कृपा रही है और कुलदेवी से प्रार्थना है कि इस कृपा को निरंतर बनाए रखें, जिससे समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। खुशी और गौरव का दिन है हमारे अग्रसेन और अग्रवाल समाज के, हमारे भगवान अग्रसेन जी की और हमारी कुलदेवी आज लक्ष्मी जी की आज वह जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यहाँ से आज किया गया है। इस मौके पर हमारे ग्रीसी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व विधायक विजय बंसल जी मौजूद हैं, सारे हमारे मातृशक्ति और जौनपुर और करौली बयाना हिंडौन नगर सभी जगहों से, कुमेर डीग नाम भी मिल सकता हूँ, सभी जगहों से लोग आए हुए हैं और ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और मुझे खुशी है कि अग्रोवा जो हमारा धाम है वहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके जन जागरण के लिए, जन सहित के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर के और कुमेर गेट खत्म होगी, उसके बाद नसिया जी जो जैन नसिया जी है वहाँ समापन कार्यक्रम रखा गया है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ परमपिता परमेश्वर से, साथ ही कुलदेवी से ही प्रार्थना करता हूँ ये समाज हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़े और आगे प्रगति करता रहे, उन्नति। पूर्व विधायक विजय बंसल ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निश्चय ही इस रथ यात्रा के माध्यम से समाज में एकजुटता एवं सौहार्द की भावना जागृत होगी और सामूहिक कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए लोग आगे आएंगे। रथ यात्रा में पंजाब से आए सिख बैंड एवं शहर के आधा दर्जन से अधिक प्रमुख बैंड वादक स्वर लहरियां बिखेरते हुए चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह उन्होंने धार्मिक भजनों पर भी वादन प्रस्तुत कर माहौल को धार्मिक भावना से ओतप्रोत कर दिया। महालक्ष्मी जी की आज शोभा यात्रा भक्तों लोगों की हो रही है, भक्त वालों को सौभाग्य है, हम भी सौभाग्य मिला के हम उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं। हमारे यहाँ भव्य मंदिर